हमें कुछ नहीं यार, रेगुलरिटी बनाए रहो, मेहनत करते रहो, सफलता जरूरी है। और इन्होंने बहुत अच्छा मेहनत किया और बायोलॉजी में 352 नंबर इनका आया। ताली बजा दो भाई, 352। और टोटल इनका मार्क्स है 632, 632 मार्क्स, यानी हर सिंह आया है, देख रहे हो। और इनका यहाँ से स्नेह है, प्यार है, मोहब्बत है, बेचारे समझ रहे हो ना। बाकी लोग तो प्रोफेशनली आप लोग देख रहे होंगे, मार होटलों में पार्टी बन रही है, यहाँ रियल देखो, गुरु और शिष्य का एक लगाओ। और नहीं तो बाकी लोगों में क्या हो रहा है बताओ, वो एडवर्टाइजमेंट के लिए काम हो रहा है, और यहाँ एडवर्टाइजमेंट का कोई मतलब नहीं। ऐसा आपको दिखता है क्या हमारे यहाँ कभी बताओ? कभी नहीं ऐड होता। और आप देख लो छोटा मोटा जगह है, अभी आप काउंट करो तो कितने बच्चे बताओ आपके सामने सेलेक्ट हुए। अभी बच्चे एडमिशन कहीं ले लेते हैं, जैसे भी होता है अपना आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। और ये हमें बड़ा गर्व फील होता है, कॉन्फिडेंट होता है कि पूरी कोई मेडिकल कॉलेज ऐसा नहीं है जहाँ हमारा 50-40-20 स्टूडेंट न हो। यूपी का गिन लो, समझ लो, कोई भी मेडिकल कॉलेज, यहाँ तक इवन BHU की बात करोगे नहीं तो कम से कम 50 के आसपास बच्चे MBBS कर रहे होंगे BHU में। और कितने तो इस समय जानते हो, कोई ट्रामा सेंटर में, आर्थो में स्पेशलिस्ट है स्टूडेंट, कोई मेडिसिन में है, कोई एनास्थीसिया में है, लड़कियां कोई गायनको में है, बहुत ही मतलब ऐसे हैं बच्चे। तो आप लोग हर्ष भाई से बात कर लीजिए, आप लोग कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें, थोड़ा 2 मिनट बता देंगे। तो आप लोग टीम से थोड़ा इंस्पायर्ड होइए, आप लोग कैसे पढ़ा जाता है, पेशेंस रखना चाहिए, समझ रहे ना। बहुत लोग आते हैं एकदम शुरू में एकदम हम पढ़ तोड़ देंगे, अरे भैया उसमें टाइम देना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। जो रेगुलरिटी मेंटेन किया, हार्ड परिश्रम, हार्ड वर्क करना है, पेशेंस रखना है, देखो जरूर सफलता मिलेगी। और वही जहाँ थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म। ये भी डाइवर्ट हो रहे थे बहुत भयंकर, क्यों हेल्थ इशू था इनका, कि कभी भी लगता था कि काम ये होगा नहीं, इसलिए आप लोग भी लगिए एकदम मेहनत करिए और बहुत अच्छा नंबर पाएंगे। अलग चीज नहीं है, बस यही जो सर पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन बहुत जरूरी है ना, और कुछ नहीं। अभ्यास कुछ नहीं कि आप यहाँ से पढ़िए वहाँ से, 10 किताब मत पढ़िए, जो सर बोल रहे हैं उसको पढ़िए, जो लिख दीजिए वो अपना ग्रंथ समझ के लिख लीजिए, समझ लीजिए, बस यही से आएगा। आप लोग पेपर देंगे खुद समझ में आएगा कि सर बोर्ड पे लिखे थे ये सब चीजें, दिमाग में पेपर देते समय दिमाग में गूंजे कि सर ये चीज बोले थे क्लास में। तो बड़ा अटेंशन रखिए क्लास में, फोकस रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जो सर पढ़ा रहे हैं उसको खेद रखिए, बाकी आपका कब सिलेक्शन हो जाएगा आपको खुद नहीं पता। सही बात है। बाकी जो दो अलग केमिस्ट्री फिजिक्स उसके लिए अपना अलग स्ट्रेटजी है, मतलब बायोलॉजी के लिए सिंपल स्ट्रेटजी, जितना सर बता रहे हैं आँख खोल के बस उतना काम करें, और कुछ करना ही नहीं इसमें कि कोई उससे ज़्यादा 2 साल तैयारी कर रहा है, 4 साल तैयारी कर रहा है, 5 साल तैयारी कर रहा है, 8-9 साल तैयारी करने वाले हैं भाई, सब किताबें पढ़ के एकदम अभी अभी देखो बोले ना कम आ साढ़े पाँच आए लुक का से पेन से हेयर पिन से अब वही पढ़ाई लोग पूछो, एक एक लाइन लाइन को रट डाले ना दिमाग में, अपना मन लगा इतना बता रहा बस सुनिए। और दूसरा इम्पोर्टेंट ये है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन बहुत जरूरी, बहुत ही जरूरी है। यहाँ जो सर पेपर कराते हैं वो तो समझ लीजिए बस उसको कर लीजिए, एका को उसको रिवीजन करते रहिए, जो भी गलतियाँ हो उसमें देखते हो, एनसीईआरटी के बाद कुछ नहीं मिलेगा, बाकी इधर उधर जाने के लिए तो बहुत कुछ है। अभी देखिए एक लड़की आएगी श्वेता सिंह, 355 नंबर उसका भी है, श्वेता सिंह है ना, इसी बैच में पढ़ती थी वो लड़की, वो भी बताओ ड्रॉपर है बेचारी, 2-3 साल उसके गार्जियन जो है वो पढ़ाते हैं ट्यूशन वगैरह, बट बेचारे आए बताए
और लड़की हम कहे ठीक है नहीं मेहनत करो तुम्हारा वहां तक पहुंच गया है 570 के आसपास था, एकदम होपलेस हो गई, हम नहीं छोड़ देंगे। हम कहे नहीं नहीं अब जम जाओ लग जाओ। और वो भी लड़की देख लो 629 नंबर लाई, ठीक है इसी बैच मेहनत है पहले भूल लड़की है। बहुत बड़ा पहाड़ मत बनाइए, हम लोगों ने बनाया था उसको। फिजिक्स में क्या है, जितना सर बेस बता रहे हैं जितना भी कॉन्सेप्ट समझा रहे पहले उसको समझिए और उसका अप्लीकेशन है, वहाँ आप रट नहीं सकते। फिजिक्स में रटना नहीं है भाई, फार्मूला का अप्लीकेशन है उसको कैसे अप्लाई करना है ये समझना। तो ये नेट में तो फार्मूले बेस ही आते हैं ना, फार्मूला बेस आते हैं तो उसको अप्लाई कर। आपके पास कोई चीज है चाय पत्ती चीनी और दूध है, अगर आपको चाय बनाने नहीं आता है तो आप चाय कैसे बनाएंगे।